हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सादून और मैं हूं बुनीता एंड आई एम ज़ीक। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ब्रांड न्यू प्रोग्राम जिसका नाम है द अल्फा किड्स एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्रोग्राम इन पाकिस्तान फॉर किड्स, क्योंकि इसमें हम लेकर आए हैं बच्चों की माइंड बॉडी और सोल की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज, और इसमें हम करेंगे बहुत सारा हल्ला गुल्ला और मस्ती भी, और माइंड को शार्प करने के लिए हम करेंगे माइंड एक्सरसाइज एंड साइंस एक्सपेरिमेंट्स, और सीखेंगे नए नए आर्ट एंड क्राफ्ट्स भी, और स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए हम करेंगे एक्सरसाइज, नदीम भाई हमें सिखाएंगे मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स, और डाइटेशन अभी हमें बताएंगी बच्चों की खुराक के हवाले से कुछ अहम मालूमात, और सोल की ग्रोथ के लिए दादी अम्मा हमें करवाएंगी मेडिटेशन और सिखाएंगी हमें मैनर्स, और सुनाएंगी साथ साथ बहुत सी सबक आमूज कहानियाँ भी। सादून, हमेशा की तरह तुम एक बहुत ही अहम बात बताना भूल गए हो। वो कौन सी बात? हम इस प्रोग्राम में कार्टून भी तो देखेंगे। हाँ, हम कार्टून्स भी देखेंगे, लेकिन ज़ीक तुम हमें एक बात बताओ कि पूरे शो में सबसे फेवरेट सेगमेंट तुम्हारा कौन सा है, क्योंकि पिछली दफा मैंने बताया था मेरा फेवरेट सेगमेंट है साइंस एक्सपेरिमेंट और विनीता का फेवरेट सेगमेंट है आर्ट एंड क्राफ्ट, तुम्हारा कौन सा है? मेरा फेवरेट सेगमेंट, मुझे सोचना पड़ेगा, मेरा फेवरेट सेगमेंट एक शर्त पर बताऊंगा। वो कौन सी? अगर मैं बताऊंगा तो फिर प्रोग्राम का आगाज उसी सेगमेंट से करना होगा। लेकिन ज़ीक, प्रोग्राम का आगाज तो हो चुका है। ये गलत बात है सादून, मुझे पता भी नहीं चला और प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अच्छा बता भी दो कि तुम्हारा फेवरेट सेगमेंट कौन सा है। नो, दिस इज नॉट गुड। बताओ ना ज़ीक। इट्स ओके, मेरा फेवरेट सेगमेंट है दादी अम्मा की कहानियाँ। बताया भी तो कौन सा सेगमेंट, अभी तो दादी अम्मा आई ही नहीं है। दिस इज नॉट गुड सादून, क्या तुम फिर से ज़ीक को नाराज करोगे? और अगर ज़ीक नाराज हो गया तो वो फिर से पजल गेम खेलने लगेगा। ज़ीक, हम तुम्हें नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन अभी दादी अम्मा नहीं आई ना। इट्स ओके, फिर हम एक्सरसाइज से ही शुरू कर लेते हैं। ठीक है। Yes! तो बढ़ते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ। इसमें भाई हमें करवाएंगे एक्सरसाइज और सिखाएंगे मार्शल आर्ट और करवाएंगे हमें सेल्फ डिफेंस की तैयारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नदीम अली जंजुआ, ब्लैक बेल्ट फोर डान, आपका ट्रेनर। तो चलते हैं आज के पहले लेसन की तरफ। आज हमारी पंचेस की प्रैक्टिस है, हमने पंचेस करने हैं। तो पंचेस करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी शोल्डर्स, आपके बाजुओं में पावर होनी चाहिए। तो पावर के लिए सबसे जो बेहतरीन एक्सरसाइज है वो तो पंचेस ही हैं। जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा पंचेस हिट करेंगे आपके मसल्स में पावर आएगी, लेकिन इसको ज़्यादा जल्दी से डेवलप करने के लिए ज़रूरी है पुशअप्स। मैं पुशअप्स आपको करना बताऊँगा उन लोगों के लिए जो आसानी से पुशअप्स कर सकते हैं, उनके लिए पूरा जो पुशअप मूव है वो होगी, और जो नहीं कर सकते, जैसा कि कुछ लोग होते हैं उनसे मैंने देखा है कि वो लोग पुशअप्स नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी मैंने एक टेक्निक है कि वो स्टार्ट कैसे करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब वो उनको लगता है कि वो अपने शोल्डर्स के ऊपर पूरा वेट डाल सकते हैं, डाउन करके अप आते हैं, तो फिर उन्होंने उसी बेसिक पोजिशन में आ जाएगी जो मैं पहले बताऊँगा। सो मैं आपको बताऊँगा कि पहले पुशअप्स किस तरह से किए जा सकते हैं। जी, पुशअप्स के लिए सबसे पहले आप इस तरह से बैठ जाएं। अच्छा, मैं पहले पुशअप्स के फ़ायदे बता दूं। एक और फ़ायदा है, जो लोग चाहते हैं उनका जो शोल्डर है ज़्यादा ओपन हो जाए, खुल जाए, ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, तो वो भी पुशअप्स लगाया करें। उसके लिए आपके सिर्फ करना ये है कि अपने हैंड्स की पोजीशन को चेंज कर लें। आज हम जो करने जा रहे हैं, आप बेसिकली हम अपने जो आर्म्स हैं, जो हमारे बाइसेप और बाइसेप हैं, हम इनकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, इनमें पावर आ जाए, ताकि इनमें पावर आएगी तब हम पंच कर सकेंगे। पंच करना चाहेंगे तो उसे पंच के अंदर प्रॉपर आपके अंदर एनर्जी होगी। सो आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए, देखिए ये मेरे शोल्डर हैं,
शोल्डर हाइट पर मैंने इनको रखा। कोशिश ये करें हल्का सा इनको आउट ले जाएं ताकि वो आपको वेट डालने के लिए आसानी हो। दूसरा, आपका कुछ लोग जब पुशअप्स करते हैं तो वो ऐसे कर लेते हैं। इस तरह से आपने अपनी जो मैं दोबारा साइड से आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें, जब वो बॉडी पोजीशन बनाएंगे तो वो इस तरह से, ये बेसिकली पोजीशन होती है हमारी, वो इस तरह से करने की बजाय इस तरह से आ जाते हैं। तो फिर यूं करना शुरू हो जाते हैं, ऐसे करते हैं। कई लोग अपनी पोजीशन ठीक रखते हैं लेकिन वो अपनी कमर को ऊपर उठा लेंगे और ऐसे आते हैं। ये इस तरह से करने से एक तो ये मुश्किल हो जाती है और कभी भी सही मसल्स डेवलपमेंट नहीं होती। सो जो सही तरीका है मैं वो आपको बताना चाहूँगा जी। इस पोजीशन में आए, अपने हाथ जो हैं अपनी बॉडी से बाहर रखें, अपने पांव हल्के से खुले भी रख सकते हैं और बंद कर लें तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सो ये देखें, मैंने अपने हाथ जो है खोल लिए। अच्छा, इसमें जो मैंने अपने बॉडी से बाहर हाथ नहीं निकाले, शोल्डर के बिल्कुल नीचे, यहाँ से हम नीचे गए और फिर ऊपर आए। ये हमारा पुशअप्स हैं। आप इनको 10 टाइम स्टार्ट 5 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं और 20 से भी, लाइक दिस। फिर दोबारा से जो ख्याल रखने वाली चीज़ है ये, इसको आप शोल्डर को यहाँ तक लाएंगे, फ्लोर तक, फिर ऊपर लेके जाएंगे। 2, 3, 4 ओके। ये जो पुशअप्स हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो नॉर्मली कर सकते हैं, थोड़े एनर्जी वाले हैं। अब उनके लिए, उन बच्चों के लिए, जैसे कि आप बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आप सही तरह से पुशअप्स नहीं कर सकते, शायद आपने ट्राई की हुई है। तो मैं आपको वो तरीका बताने लगा हूँ जिससे आप आज के बाद आसानी के साथ पुशअप कर सकेंगे। सो मैं आपको साइड पोज दिखाऊँगा सेम उसी तरह से। अब हमने करना ये है, अपने हाथों को जैसे कि हिले गए और इस पोजीशन में आए, यहाँ पर लेग्स को मैंने बेंड कर लिया। अब मेरी जो पूरी कमर है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, हाथ में उसी तरह से सामने आगे की तरफ ले गया। यहाँ से मैंने कमर ऐसे नहीं रखनी, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, पुशअप स्टाइल में, ब्रिज स्टाइल में। यहाँ से मैं यूँ नीचे गया और ये ऊपर आया। तो आप जब ये करेंगे तो आपको बड़ी आसानी के साथ आज आप पुशअप्स कर लेंगे। सो देखें, नाउ डाउन, 1, 2, 3 एंड 4 जी। ये हमारे आज के न्यू एक्सरसाइज थी पुशअप्स, जो कि पंचेस के लिए ज़रूरी है। अब हम पंचेस करने के लिए आपको हैंड की पोजीशन बताएंगे। अब हम आते हैं आज की टेक्निक की तरफ। आज की हमारी टेक्निक्स हैं वो पंचेस। तो पंचेस बनाने से पहले आपको पंच बनाने का तरीका आना चाहिए। तो पंच बनाने का तरीका है कि मैं आपको पहले बता दूं, आप जैसे ये फिंगर्स हैं आपके हाथ, ये खुले हैं, ठीक है, ये हाथ हैं आपके, ठीक है। इन हाथों को ये देखें, ये इस तरह से आपने पहले इन फिंगर्स को, मैं दोनों हाथों से कर रहा हूँ, ये इन फिंगर्स को ऐसे, ये देखें अभी यहाँ पे थंब जो है वो ओपन है, ठीक है। इन फिंगर्स को यहाँ से आपने इस तरह से अपनी हथेली के ऊपर यहाँ से लगा देना है, ठीक है। यहाँ से ये देखें, ये इस तरह से इनके साथ, ये मैं दिखाना चाहूँगा, इनके साथ यहाँ से इसको लगाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से लगाने के बाद ये जो थम्स हैं इनके ऊपर ऐसे आ जाएंगे, इन दो फिंगर्स के ऊपर, ये जो दो फिंगर्स हैं इनके ऊपर, ये पूरा आपने पंच टाइट किया। अब जो इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है, आपका ये जो हाथ है इस तरह से, ये जो फिंगर्स हैं ये मुकम्मल तौर पर, ये देखें ज़रा गौर करें, ये मुकम्मल तौर पर बराबर होनी चाहिए। इनमें ऐसे ऐसे या फिंगर्स ऐसे नहीं डालनी। कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को ज़्यादा डेंजरस बताने के लिए वो कोशिश करते हैं, वो थंब जो होता है वो फिंगर के अंदर डाल लेते हैं, ये ख़तरनाक है उसके लिए जो मार रहा है। यानी कि अगर मैं मारने जा रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ थंब रखा है तो अगर मैं मार रहा हूँ तो मेरे थंब का ब्रेक होने का खदशा मौजूद है। सो इस बात का ख़ास ख्याल रखें, पावर जो है पंच की वो सिर्फ पूरे इस पंच, पूरे बंद पंच में है, इसके अलावा किसी पंच में पावर नहीं होती। सो पंच बनाने का तरीका दोबारा से देखें, मैं सामने से दिखाता हूँ। ये फिंगर्स बंद की, इनके ऊपर इन थंब्स को ऐसे जमा दिया, ये देखें ये साइड से, और आपकी ये साइड जो है वो बराबर रहेगी। तो ये इस तरह से आपकी मुकम्मल पावर इस पंच में आ जाएगी। सो ये हमारा पंच बनाने का तरीका। तो अब हम करते हैं
पंच करने की फर्स्ट टेक्निक, जैसा कि फाइटिंग स्टांस में हम पहले करेंगे। फाइटिंग स्टांस में जो ताइक्वांडो में फाइट में भी पंच किया जाता है, इसके पॉइंट सिस्टम होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में इंशाल्लाह गाइड करूँगी जब हम फाइट्स टेक्निक्स की तरफ आएंगे। तो पहले अभी हम पंच करने का तरीका हम समझेंगे, करने का तरीका उसी तरह से आपने फाइटिंग, सबसे पहले फाइटिंग स्टांस में आएंगे, उसके बाद बॉक्सिंग पंच, जैसे कि बॉक्सिंग स्टाइल में इस तरह से पंच किए जाते हैं वो होंगे। नाउ पर स्टार्ट करेंगे हम जी। नाउ चिलियत खेंगे छुबी ड्रॉप छुबी क्या ओके, ये हमारा फाइटिंग स्टांस है। इसमें हम बॉक्सिंग पंच करना सीखेंगे। बॉक्सिंग पंच के लिए जरूरी है कि आपके पंचेस आपकी चिन के डाउन हो, ठीक है, यहाँ से ये चिन डाउन हो, यहाँ से आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए, ये डाउन नहीं होने चाहिए, चिन डाउन होने चाहिए, यानी कि पंच जो है आपके डाउन, चिन के डाउन यानी निचले सतह तक होने चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर भी रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेस्ट है को यहाँ रखिए। अब आपने पंच अटैक करना है, फर्स्ट पंच जो आपका पीछे है, सीखने का सबसे स्टार्ट यही है कि आप इसी से स्टार्ट करेंगे। सो जिस तरह से सांप हिट करता है यही वे है, ये देखिए, ये जैसे कि हाथ मेरा सांप की तरह, ये अब इसको पंच को मैंने यहाँ से ये और फिर वापस यहाँ से 1 2 3 4 मैं साइड पोज आपको दिखाऊं जरा, यहाँ से ये देखें ये साइड है, ठीक है, और यहाँ से ये गया और फिर वापस यहाँ से पंच हिट एंड बैक, पंच हिट एंड बैक। नाउ थ्रो, थ्रो के साथ ये क्या क्या वापस आपने इसी पोजीशन में आना है। अच्छा एक और जो पॉइंट है बताने वाला, मुझे देखें, यहाँ से हमारी फिंगर्स हैं ऐसे, लेकिन जब पंच हिट होगा तो वो ऐसे हो जाएगी, यानी कि ये थंब इस तरह से आ जाएगा। अभी थंब आपकी साइड पे है लेकिन जब आप हिट करेंगे तो थंब, तो ये कैसे होगा, यहाँ से हम गए सीधे, लास्ट मोमेंट जब हमने फोर्स देनी है तो इसको यू टर्न दे देना, तो इसके साथ छप, ये देखिए ये हमारी फाइटिंग पोजिशन है कि मैंने जब ये पंच हिट किया तो ये सामने है लेकिन दूसरा हैंड जो है आपने अपनी चिन के साथ लगा के रखा, वो आपको अगर कोई आपका अपोनेंट, जैसे कि फाइटिंग में हम बॉक्सिंग कर रहे होते हैं तो हमने हिट किया है तो आपका अपोनेंट भी आपको हिट करने के लिए आ सकता है। ये टेक्निक स्ट्रीट फाइट में भी हो सकती है और रिंग फाइट में तो मोस्टली होती है। सो अगर जब आपने हिट किया, दूसरा पंच आपके यहाँ पर है, अगर कोई आपको हिट करने आया तो आप उसको इससे ब्लॉक कर सकते हैं या इसे बचा सकते हैं। सो ये हमारा फाइटिंग टेक्निक का पंच है जिसको हम ग्रॉफी छुम्बी में खड़े होते हुए खियाप खियाप पूरी पावर देनी है। इसमें जो पावर है वो आपके शोल्डर की है, साथ में ये देखें, ये मैं आपको साइड से दिखाना चाहूँगा, ये देखें मैं अपने शोल्डर पे हाथ रखूँगा, ये मैंने पंच किया और इसको साथ में ये कर दिया। ये इसका करने का मकसद क्या है, अगर मेरा ओपोनेंट जो मुझसे अगर थोड़े से फासले पे खड़ा हुआ है तो मैं उस तक पंच पहुँचाना चाहता था, ये देखें मैंने अपने हाथ का आपको एक साथ इशारा दिया, आपको ये मेरा शोल्डर स्ट्रेट है, यहाँ से जब मैंने टर्न किया तो ये पंच तक उनके फेस तक, यानी कि देखें साफ वाजे साफ आपको नज़र होगा कि जैसे मैं पंच को शोल्डर को किया आगे और ये लॉन्ग हो गया। सो अगर आपका ओपोनेंट आपसे दूर खड़ा है आप उसको हिट करने के लिए अपने शोल्डर को आके लेके जाएंगे, तो प्रैक्टिस के दौरान भी आपने यही रखना है, यहाँ से छप छप ये देखें इस तरह से शोल्डर से आपने देखना है। थर्ड वन, थर्ड जो टेक्निक है वो ये है, फर्स्ट आपका हिट स्ट्रेट, सेकेंड इसको ट्विस्ट, थर्ड इसको लॉन्ग लेके जाना, ये है आपने इसको लॉन्ग लेके जाना है और यहाँ से अपने आप को अपना डिफेंस रखना है, अंडरस्टैंड। तो ये हमारी बॉक्सिंग टेक्निक थी जी, ये हमारा बॉक्सिंग स्टाइल में जो पंचेस थे वो थे, आपको समझ आ गई होगी कि इसके फोर्स हमने देनी है, शोल्डर स्पेशली यूज़ करना है। उससे पहले आपने पुशअप्स ज़रूर करने हैं, हमेशा पुशअप्स करते रहें, पुशअप्स करने से आपकी बाजुओं में ताकत आएगी। अब हम आते हैं हमारी सेकेंड जो जो कि ताइक्वांडो में ज़्यादा पंचेस इस्तेमाल होते हैं वो हैं ओपन बॉडी स्टांस में। जैसा कि ओपन बॉडी स्टांस में हमारे जो शेडो फाइट्स आती हैं जिसको हम काताज बोलते हैं, फुमजाज बोलते हैं, उसमें वो पंचेस यूज़ होते हैं। ताइक्वांडो की जो टेक्निक्स हैं उसमें वो पंचेस
बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उसको हम कहते हैं जॉसम चेकिंग, ओपन बॉडी स्टांस, हॉर्स टाइल सिटिंग स्टांस। पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि वो स्टांस हमने कैसे बनाना है। सो हम अब स्टार्ट करते हैं इस पंचेस को, कैसे हमने करना है, प्रेजेंट करना है और आप कैसे इसको करेंगे। नाउ चिरियत खेंगे वी जसम छाकी क्या, ये हमारा वो स्टांस है। अब हमने पंच उसी तरह से ये यहाँ से हम ये जा रहे हैं ये, और लास्ट मोमेंट में हमने इसको थ्रस्ट के साथ टर्न दे दिया। देखें जरा, 1 2, मैं दोबारा से दिखाऊंगा, 1 2, इसको थ्रस्ट के साथ चॉप, फिर देखें जरा चॉप, फिर चॉप, ये हमारा पंच। अब इसको हमने जब करना है तो हम दूसरी साइड को भी करना है। इसमें जो वाज़ है, जो एक वाज़ टेक्निक है वो ये है कि जब आप ये पंच कर रहे हैं तो दूसरी एल्बो भी पीछे हिट हो रही है, तो ये दोनों हिटिंग प्रोग्राम देखेंगे ना। यस चॉप, ये एल्बो भी साथ में आई, ये यहाँ से देखें दोबारा से, इस आम को हमने आगे रखा और दूसरे को पीछे, यहाँ से इकट्ठा दोनों वो चॉप। ये जिस पावर के साथ आपका पंच हिट हुआ उसी पावर के साथ आपकी एल्बो हिट हुई। तो ये जॉसम चेकी स्टाइल का ये पंच है जो कि आपके लिए सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। फोर्स इसकी भी वही है जो कि बॉक्सिंग स्टाइल में थी, लेकिन इसमें आपने जो है हॉर्स स्टाइल सिटिंग बेसिंग स्टांस जो है उसमें आपने खड़े होना है, बैंडिंग करनी है और उसके बाद हिट करना है। इसका जो पोजीशन, जो पंच अटैक पोजीशन है वो आपका ये सोलर है जहाँ पे आप हिट करेंगे, यहाँ पर इसको हिट करना है। जहाँ से एक पंच आएगा दूसरा वहीं पे आएगा। दोबारा से देखें, यहाँ से मैंने ये पंच हिट किया, दूसरा छ्या, दोबारा दूसरा जब मैंने पंच किया वो भी उसी पावर के साथ उसी जगह पे आया, छ्या छ्या छ्या। अच्छा, इसके लिए मैं आपको साइड पोज दिखाऊंगा कि मैं देखिए जब मैं पंच हिट कर रहा हूँ तो मेरी एल्बो पीछे हिट हो रही है, देखें छ्या, हाथ मेरा कहाँ पर है ये खुसूसी तौर पे देखना है। हाथ मेरा यहाँ नहीं है, हाथ मेरा यहाँ है। यहाँ से क्या है कि आप ज़्यादा अपनी एल्बो को लॉन्ग लेके जा सकते हैं बैक साइड पर, ठीक है। अब हम इसको एक्ट करेंगे नाउ, छ्या छ्या छ्या, हरो वी जी, जिसका था इंतज़ार वो मुकाम आ गया। बच्चों जब मैंने आप प्रोग्राम शुरू हुआ था तो मैंने आपको एक हिडन वेपन के बारे में बताया था, तो वो हिडन वेपन क्या है और कहाँ इस्तेमाल होना है वो हम बताएंगे। वो होता हमारा सेल्फ डिफेंस टेक्निक। आज की सेल्फ डिफेंस टेक्निक में मेरे साथ हैं मेरे स्टूडेंट शहरयार, ये मेरा साथ देंगे। बग़ैर किसी तमहीद के हम इस टेक्निक को करते हैं और फिर बताते हैं कि आपने इस वेपन को कैसे और किस तरह से इस्तेमाल करना है। सो शहरयार मेरी तरफ आएँ, शरियत चलिए, यस एक्शन, ओके। किसी भी स्ट्रेंजर, जो कोई भी स्ट्रेंजर जो अगर आपसे वो बड़ा है चाहे छोटा है, तो आपको वो अगर इस तरह से ग्रिप कर लेता है, ये इस तरह से भी ग्रिप किया जा सकता है, ये शोल्डर से भी ग्रिप किया जा सकता है। कोई भी आपको, कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए उस तरह से आपको थ्रेट कर सकता है, तो अब आप परेशान नहीं होंगे। अब आपके पास एक वेपन है जो कि आपके फुट के अंदर, फुट के ऊपर है, मतलब आपका शूज़ जो कि अभी मैंने शूज़ नहीं पहना, लेकिन आपने हर बार हर वक्त जो तकरीबन शूज़ पहने होते हैं जब आप घर से बाहर हैं, तो वो शूज़ आपका असल में वेपन है। किसी ने अगर आपको यहाँ से ग्रिप किया है, कैसे भी आप छुड़वा रहे हैं, वो नहीं छोड़ रहा, तो आप उस, अब उस टाइम है उस वेपन को यूज़ करने का। हर बंदे के पास, हर बच्चे के पास, हर मेल फीमेल के पास वो वेपन मौजूद है। तो आपने क्या करना है, उस वेपन को यूज़ करना लाइक दिस। ये वो जगह है जहाँ पर आप आसानी के साथ हिट कर सकते हैं बग़ैर मार्शल आर्ट को उसमें परफेक्ट हुए बग़ैर या सीखे बग़ैर, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज पे भी आप इसको सीख सकते हैं या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने बताना है कि जैसे कि ग्रिप किया आपको, अब आपने छुड़वाने की कोशिश की, वो नहीं छोड़ रहा, तो आपने हिट करना है और वो उसके बाद उसको प्रेस करना है और आपने भाग जाना है। ये आपका बहुत ही आसान जो है सेल्फ डिफेंस टेक्निक है। इसको करने से आप क्या फौरन ही अपने आप को डिफेंड करने का या अपने आप को बचाने का एक मौका मिल जाएगा और आप यहाँ से जा सकते हैं, भाग सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने आपको सिखाया है वो आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसानी के साथ समझाने की कोशिश की। तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में न्यू लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो कैसे लगी आप लोगों को मार्शल आर्ट और एक्सरसाइज की दूसरी क्लास? मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा आया होगा और आप लोग घर पे इसकी प्रैक्टिस जरूर करते होंगे। हाँ हाँ, मैं भी अपनी एक्सरसाइज रोज करता हूँ बिलानागा, और उससे मेरा दिमाग बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। तुम्हारा दिमाग तेज हो गया? हाँ हो गया, और नहीं तो क्या। कल मैं स्कूल में लंच कर रहा था, एक बच्चा मेरे साथ आके बैठ गया और बहुत जल्दी जल्दी अपना लंच खाना शुरू हो गया। अभी मैंने आधा ही लंच खाया था कि उसने अपना लंच फिनिश कर लिया। साधुन, तुम्हें पता है इस बात के अंदर एक अहम सवाल है। हाँ। और हमें वो सवाल डाइटिशियन आप ही से ज़रूर पूछना चाहिए। कुछ बच्चे बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं, इस तरह उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? अच्छा सवाल है, चलिए डाइटिशियन आप ही से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बुशरा शाहिद। बच्चों, आप सबके न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। अच्छा जी, तो आज के क्वेश्चन पे सारे बच्चों की हंसी निकलने वाली है, क्योंकि सबकी दौड़ लगी हुई होती है और समटाइम तो पेरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर। जब सिबलिंग्स बैठ के, बहन भाई बैठ के आपस में खाना खाते हैं, तो पेरेंट्स उनकी आपस में दौड़ें लगवा देते हैं, मुकाबले रख देते हैं, चैलेंजेस रख देते हैं कि कौन किससे विन करेगा, और यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स रेज करते हैं कि उसको ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी, बस आप जल्दी खा लो, आप जल्दी खा लो। लेकिन अपने जल्दी के चक्कर में हम बच्चों की स्टमक का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। सॉरी मेरे लफ्ज़ थोड़े हार्ड लगेंगे आपको, लेकिन मैं इसके लिए आपसे माजरत चाहती हूँ, लेकिन होता बिल्कुल ऐसी है। एक बात जहन में बिठा लें अच्छी तरीके से कि आपके मुँह में तो दांत हैं लेकिन आपके मैदे के दांत नहीं, ठीक है? तो आप जितना खाना च्यू कर चबा कर अपने मुंह के अंदर से अपने मैदे तक पहुंचाएंगे, उतना ही आपकी डाइजेशन अच्छी होगी। अब डाइजेशन अच्छी होने से क्या होगा, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपके साथ छोटे छोटे यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस करूँगी कि आप जब बहुत तेज़ी तेज़ी से खाते हो तो उसका नुकसान क्या होता है। असल में जब आप बिला सोचे समझे बस मुंह चलाते रहते हैं, जैसे बच्चों के अंदर आजकल गैजेट्स की एक बहुत दौड़ लगी हुई है, हर बच्चा, माँ ने उसको ट्रेनिंग ऐसे कर दी है अपनी आसानी के लिए कि वो उसके सामने एक टैब रख देती हैं और वो कहती हैं चलें जी बच्चा खा रहा है, बच्चा अच्छा खा रहा है, बुरा खा रहा है, ठीक से चबा रहा है, नहीं चबा रहा, सुस्ती से खा रहा है, तेज़ी से खा रहा है, दे डैम केयर अबाउट डैट, उन्हें कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की, बस उनको है कि हाँ बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चा अपना नुकसान कर लेता है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर बच्चे के साथ बैठना है, उसको इन्वॉल्व करना है अपने साथ, बातों के साथ आपने उसको खिलाना है, इंटरेस्ट पैदा कराना है, और उसको बताना है कि वो जितना खाना चबा चबा के खाएगा उतनी ही उसकी डाइजेशन जो है वो अच्छी होगी। जी बच्चों, तो एक पॉइंट तो भी हमने डिस्कस कर लिया कि गैजेट के चक्कर में बच्चे ना अच्छे से खाते हैं, ना चबाते हैं, ना चढ़ना है, उनकी डाइजेशन अच्छी होती है। सो दूसरा पॉइंट वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, देखें जब आप ये प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, बड़ों के साथ भी है। जब हम बहुत तेज़ी तेज़ी से खाते हैं, एक प्लेट के अंदर या एक टेबल के अंदर बहुत सारी डिशेस पड़ी होती हैं, तो हम सोचे समझे बगैर प्लेट भर लेते हैं, बस खाना शुरू कर देते हैं, तेज़ी से अंदर फेंक ही जाते हैं, तो उस वक्त हमारा मैदा जो है वो फुल हो चुका हुआ होता है, लेकिन हमारा दिमाग इतना कन्फ्यूज्ड हो चुका हुआ होता है कि वो मैदे को कॉल नहीं दे रहा होता, उसे अलर्ट कर रहा होता है लेकिन हमारा मैदा जो स्टमिक है वो उस वक्त एक्टिवली उसको सुनता नहीं है, और उस चक्कर में थोड़ा खाने के बजाय, मुनासिब खाने के बजाय, बैलेंस्ड खाना खाने के बजाय हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। और ओवर ईटिंग से आपको पता क्या चीज़ें होती हैं, ओवर ईटिंग से आपका मोटापा जो है वो कॉज बनता है, आप मोटे होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी रीज़न, जब आप अपने खाने के अंदर बगैर चबाया हुआ खाना फेंकते हैं तो आपका खाना हज़म होने में
बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करता है। ये वो एनर्जी होती है जिसको जिसने आपकी बॉडी के अंदर स्टोर में रहकर आपको बहुत सारे कामों में मदद देनी होती है, लेकिन वो एनर्जी तो खाना डाइजेस्ट करने में लग जाती है। और जब खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट होकर नहीं गया होगा तो जो खाने की अफादियत है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसके अंदर मुनासिब मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो प्रोटीन हैं, जो फैट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो कोई भी आपको आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाते। तो फिर क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर मैदे के अंदर गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं, ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, तेजाबियत की शिकायत हो जाती है। सो ये सारी इसकी जो है वो डैमेज करती है, डाइजेशन को डिस्टर्ब करती है अगर आप खाना चबा चबा कर नहीं खाते। अब आते हैं कि अगर आप खाना चबा के खाते हैं तो क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए, अगर आप खाना चबा के खाएंगे ना तो जैसे आप खुशी में मुस्कुराते हैं ना, ऐसे आपका जो स्टमक है वो खुशी में मुस्कुराता है, क्योंकि वो खुश होता है, वो खाली भी रहना चाहता है। इस बात पे बड़ा यकीन रखें, वो खाली रह के भी बड़ा हैप्पी फील करता है। ज़रूरी नहीं कि वो हर वक्त आपसे खाना मांगे। अगर आप खाना चबा चबा के खाएंगे तो आपका मैदा बहुत प्लेजेंट मूड रखेगा, आपका भी और अपना भी, है ना, मज़े की बात। तो जी, खाना कैसे खाना चाहिए, फिर से यहाँ पे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोट करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक निवाले को 40 दफ़ा चबाया करते थे। अगर ये प्रैक्टिस आपको ज़्यादा लगती है तो कोशिश की जा सकती है, एंड यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो एक टाइम आता है जब इंसान उन सुन्नतों पर, उन तरीक़ों पर जो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, उन पर अमल पैरा होना शुरू हो जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखें, जब आप अपने मुंह के अंदर एक बाइट को अच्छी तरह से च्यू करते हैं तो आपकी कुदरत ने, अल्लाह ताला ने हमारे स्लाइविया के अंदर ऐसे एंजाइम्स वो पैदा कर देता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो खाना है उसकी डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं। आप जब आधा खाना अपने मुंह के अंदर ही बिल्कुल अच्छे से च्यू करते हैं तो आपके खाने की डाइजेशन का अमल उसी वक्त शुरू हो जाता है। जब आप च्यू नहीं करते तो आपकी डाइजेशन का अमल मैदे के अंदर पड़े पड़े आपका खाना सड़ना शुरू हो जाता है और उसकी डाइजेशन का अमल तब भी स्टार्ट नहीं होता। तो कितना अच्छा, कितना फ़ायदा है इससे आपको। एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, बहुत सारे बच्चों को शिकायत होती है, बहुत सारी माएँ परेशान रहती हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, 3 साल के 2 साल के, और उन्हें बहुत सारे ऐसे जो हैं वो अनहेल्दी वे इस्तेमाल करने पड़े होते हैं कि बच्चा एक दफ़ा जो है वो रिलैक्स हो जाए, उसको मोशन में इशू आ रहा होता है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है और बच्चा ख़ुद बहुत तकलीफ़ का सामना करता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप बच्चे को जूद हज़म ग़िज़ाएँ दें, और जब ठोस ग़िज़ाओं पे आप बच्चे को लेके आते हैं तो उनको इसके एटिकेट्स सिखाएं। और एटिकेट्स बच्चे को तभी आते हैं जब आप बच्चे के साथ डाइनिंग टेबल पर ख़ुद बैठते हैं और बच्चों को ख़ुद खा कर इस सलीके से उनको बताते हैं कैसे खाना है, खामोशी क्यों ज़रूरी है खाने के दरमियान में, खाने का चबाना कितना अहम रोल अदा करता है, और खाना पूरा डाइजेस्ट होने के बाद उसकी अफादियत हमारी बॉडी पे किस तरह से वर्क करती है। ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चों को छोटे छोटे टिप्स में जब गाइड करते हैं तो उससे उनको बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा, आज आपने सीखा कि खाना अगर हम चबा के नहीं खाएँगे तो हमारे पेट में गैस हो जाएगी। फिर आपने ये सीखा कि अगर हम खाना चबा के नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, जो हमें बहुत सारे काम करने में हेल्प करेगी, वो तो खाना डाइजेस्ट करने में लग जाएगी, तो हम क्या होंगे, सुस्त हो जाएंगे एकदम। वो जैसे सुस्त से बच्चे होते हैं, एक किसी जगह बैठते हैं तो बस बैठे ही रह जाते हैं, एक्टिव नहीं हो पाते और कोई उनको पसंद नहीं करता, फिर आप इस तरह के बच्चे बनना तो पसंद नहीं करेंगे। मुझे ये बात, तो मुझे इस बात पे तो पूरा यकीन है। तो क्या करना है आपने, आज से एक प्रॉमिस खुद से करना है कि आप सबसे पहले खाने के एटिकेट्स क्या क्या हैं, जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है, अगर आप ज़मीन पे बैठ के खाते हैं तो ये तो एक और भी बहुत अच्छी बात है, उससे आपका जो स्टमक है वो उस पोजीशन में चला जाता है जिसमें डायरेक्ट खाना जो है वो सही प्रोपोर्शन में उसके अंदर जा सकता है। और फिर जब आप च्यू करके खाते हैं अपने खाने को, एटलीस्ट
कोशिश करें 20 से अबव उसको च्यूइंग टाइम दें ताकि वो आपके मुंह में ही डाइजेस्ट होता हुआ आपकी इंटेस्टाइन आपके मैदे तक पहुंचे और आपके इंटेस्टाइन को बहुत एफर्ट ना करनी पड़े और आपका खाना आधे से ज़्यादा पहले ही डाइजेस्ट हो गया हो। और खाना डाइजेस्ट होने में और खाने के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स हैं जितनी ग़िज़ाइत है जिसकी आपकी बढ़ते हुए जिस्म को जिस नशोनुमा की ज़रूरत है वो सारी की सारी आपको मिल सके, आप एक हेल्दी एक्टिव चुस्त तवाना और खूबसूरत बच्चे बन सके। टेक केयर। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने आपकी की बात सुनी कि हम लोगों को जल्दी जल्दी और तेज तेज खाना नहीं खाना चाहिए और हमें हमेशा आहिस्ता आहिस्ता और चबा चबा के खाना खाना चाहिए। वेरी गुड पुनीता। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी खाने का सुन के लग गई है भूख तो जल्दी से अपने खाने के लिए कुछ ले आए क्योंकि यहाँ हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं तो अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का जिसमें साधुन भाई हमें कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, तो देखते हैं आज साधुन भाई हमें क्या सिखाएंगे। Wants to love, you know why? Why? Because सादून ने ठीक से सुना नहीं है, वो साइंस एक्सपेरिमेंट की जगह पर आर्ट्स एंड क्राफ्ट की चीजें ले आया है। These are colors. मतलब कलर्स क्यों लेकर आए हो? जीक, हमेशा आर्ट एंड क्राफ्ट का सेगमेंट विनीता किया करेगी और साइंस एक्सपेरिमेंट मैं करूँगा। ये साइंस एक्सपेरिमेंट की ही चीजें हैं। तुम हमें बेवकूफ मत बनाओ सादून। जीक को पता है साइंस एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं बिकॉज आज जीक ने साइंटिस्ट वाली ग्लासेस भी लगा रखी हैं। वैसे जीक तुम लग बहुत प्यारे रहे हो। आई नो वेरी वेल बिकॉज आज जीक ने आईना भी देखा था। जीक, मैं तुमसे अपनी ग्लासेस वापस ले लूंगा। तुम्हें ये ग्लासेस हरगिज़ वापस नहीं मिलेंगी। वो क्यों? बिकॉज हर एपिसोड में साइंस एक्सपेरिमेंट जीक करता है और अगर तुम्हें ये ग्लासेस वापस चाहिए तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। वो क्या? तुम्हें इस एपिसोड में खुद से साइंस एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आज का सारा एक्सपेरिमेंट मैं करूंगा और अपनी ग्लासेस वापस ले लूंगा। श्योर। तो दोस्तों, मेरे पास हैं तीन कलर्स, रेड, ब्लू और येलो। मैं इन कलर से मिलके रेनबो कलर्स बनाऊंगा। इसका मतलब सादून आसमान पर जाने वाला है क्योंकि रेनबो तो आसमान पर ही बनता है, हमें सब पता है। ठीक, रेनबो तो आसमान पर ही बनता है लेकिन उसको कॉपी करके यहाँ पे ग्लास से बनाऊंगा कलर्स। ग्रेट। जी, तो मुझे एक बात बताओ कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? मैं रेनबो के कलर्स के नाम बता सकता हूँ। तो बताओ। रेड, ब्लू, येलो, पर्पल, ऑरेंज एंड ग्रीन। ये तो छह कलर्स हुए, सातवां कलर कौन सा है? नहीं याद ना? तुम भूल रहे हो साधुन, ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें करना था, मैंने तुम्हारी मदद की, एक कलर तो तुम्हें भी बताना पड़ेगा। तो दोस्तों, आखिरी कलर्स मतलब सातवां कलर है इंडिगो। दोस्तों, मेरे पास है तीन कलर्स, रेड, ब्लू, येलो। ये है मेरे पास प्राइमरी कलर्स, मैं इनको मिला के बनाऊंगा सेकेंडरी कलर्स। सबसे पहले हम बनाएंगे पर्पल कलर, इसके अंदर हम लोग को जरूरत होगी रेड कलर की और ब्लू कलर की। I can mix it for you. हमने अब ब्लू कलर डाला है और हम इसमें रेड कलर डालेंगे। ये देखें, पर्पल कलर बन गया। This is purple. अब हम बनाएंगे ग्रीन कलर जिसमें हम लोगों को जरूरत होगी ब्लू और येलो की। I can help. This is yellow. और हम ब्लू कलर डालेंगे। This is blue. ये देखिए, ग्रीन कलर भी बन गया। ये
अब हम बनाएंगे ऑरेंज कलर। तो देखते हैं बनीता को पता है ऑरेंज कलर किस तरह बनाना है। बनीता बताओ। रेड और येलो को मिक्स करके। तो अब हम रेड और येलो को मिक्स करेंगे। आई कैन हेल्प इट अगेन, दिस इज येलो कलर और ये है रेड कलर। अब जी किसमें ये रेड कलर मिक्स करो। ये देखिए ऑरेंज कलर भी बन गया। इन साधुन ये तो छह कलर हैं। हाँ तो सातवें के लिए ग्लास कहाँ पर है? मैं तो लाया था, शायद मैं बाहर छोड़ आया हूँ। अब वो जीक तुम हमारे लिए ग्लास लेकर आओगे? डोंट वरी साधुन, जीक को ग्लास लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपनी आंखें बंद करो। हेयर इज ग्लास। वाओ जीक, ये तुमने किस तरह किया? दिस इज साइंस नॉट मैजिक। तो दोस्तों अब हम बनाएंगे इंडिगो कलर, जिसमें हम लोगों को जरूरत होगी प्राइमरी और सेकेंडरी कलर की। हमें प्राइमरी कलर में चाहिए होगा ब्लू कलर और सेकेंडरी कलर में चाहिए होगा पर्पल कलर। हम इन दोनों को मिक्स करेंगे और बनाएंगे इंडिगो। आई कैन हेल्प अगेन। अरे वाह, ये देखो इंडिगो कलर भी बन गया। थैंक यू जी। इंडिगो कलर इज सो ब्यूटीफुल। तो दोस्तों जिस तरह के आप लोगों ने देखा, हमने ये तीन प्राइमरी कलर से मिलके सेकेंडरी कलर्स बनाए और फिर प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिक्स करके बनाया इंडिगो कलर। इस तरह हमारे इंडिगो के सारे कलर्स बन गए हैं। फाइनली पूरा एक्सपेरिमेंट साधुन ने कर दिया है। एज पर माई प्रोमिस मैं साधुन की ग्लासेस उसको वापस कर रहा हूँ। थैंक यू जी। एंड फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह तीन कलर्स के साथ हमने सात कलर्स बनाए। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हैं और हमें उम्मीद है ये सेगमेंट आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। इसके साथ ही हम चलते हैं हमारी दूसरी होस्ट के एक और सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्राफ्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रेनबो। इसको बनाने के लिए मुझे जिन चीजों की जरूरत है वो है रेनबो कलर के रिबन, ग्लू स्टिक, सिजर्स, पेंट ब्रशेस, ज्योमेट्री, कॉटन बॉल्स, स्केल, चार्ट पेपर और रेनबो कलर के पेंट्स। तो चलिए अपना रेनबो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेनबो का स्केच बनाएंगे और वो स्केच बनाने के लिए मुझे जरूरत होगी कंपास की, चार्ट पेपर की और जीक की। As always, मैं बनाऊंगा एक हाफ सर्कल। एक हाफ सर्कल बन चुका है। अब मैं कंपास को थोड़ा सा वाइड करूंगा। अब कंपास को मजीद वाइड करेंगे। अभी हमें कंपास से पेंसिल को अलग करना पड़ेगा, बिकॉज कंपास इससे ज़्यादा नहीं खुल सकता। अब आपको अपने हाथ से शेप देना होगी बिल्कुल इस तरह। हमारी रेनबो कंप्लीट होने वाली है। जीक ने बहुत अच्छे से स्केच बना दिया है। बोनीता, अब तुम्हारी बारी है, तुम इसमें पेंट करोगी। हम पर्पल से स्टार्ट करेंगे। और मैंने लिया है ये पेंट ब्रश। सबसे पहले कलर को अच्छे से मिक्स कर लो, क्योंकि इसके ऊपर आ जाता है ऑयल।
और जब आपने अपना ब्रश साफ करना हो तो आप अपने पास कोई टिश्यू या कॉटन रखें ताकि आप उसको साफ कर सकें। ये लो जी। थैंक यू साधुन, तुम पानी भी यूज कर सकती हो, बट पानी बहुत ज्यादा मत लगाना। अगर आप पानी ज्यादा लगाएंगे तो आपकी सारी पेंटिंग खराब हो जाएगी। एग्जैक्टली, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल हाँ, और ये कलर भी कितना खूबसूरत है। ये मेरा फेवरेट कलर है। ये बहुत ही अच्छा कलर है। तुम्हें थोड़ा एहतियात से करना होगा। बिल्कुल, आपने बहुत ध्यान से करना है ताकि इसकी लाइंस बिल्कुल परफेक्ट हों। कलर जितना परफेक्ट होगा रेनबो उतनी ही खूबसूरत बनेगी। तुम पानी ज्यादा यूज कर रही हो। हमेशा पहले आउटलाइंस बनाएं। एक्शन। आई हैव अनदर आइडिया। वो क्या जी? आई थिंक तुम्हें ये पेंट इसकी कैप के अंदर निकाल लेना चाहिए ताकि तुम इजीली यूज कर सको। बिल्कुल इस तरह। क्योंकि पेंट बहुत गाढ़ा है, हम इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर देंगे ताकि बहुत आसानी से हो जाए। ब्रश की मदद से पेंट निकालो। आपने उतना ही पेंट निकालना है जितना के यूज हो सके। पानी का इस्तेमाल कम करें। तुम्हारा कलर प्रॉपरली रेडी हो चुका है। बिल्कुल, अब मैं इसे बहुत आराम से कर सकूंगी। देखा अब कितनी स्मूथली हो रहा है। पुनीता बहुत ही एहतियात से कलर कर रही है। पहली लेयर्स कंप्लीट होने वाली है जी, ये बस कंप्लीट होने वाली है। पर्पल कंप्लीट हो चुका है। ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें दूसरे कलर पे आना है। आई हैव अनदर आइडिया। वो क्या? तुम ये ब्रश साधुन को दो, वो इसको वॉश करेगा। तुम दूसरा ब्रश यूज करो। अब हम लेंगे इंडिगो कलर। हमें वक्त को जाया नहीं करना है। वैसे तो मैंने ये ब्रश भी साफ कर दिया है विनीता। ये कलर ऑलरेडी मिक्स्ड है, तुम्हें पानी यूज नहीं करना चाहिए। ओके जी। ये कलर तो और भी खूबसूरत लग रहा है। हाँ जीक, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें अभी 5 कलर्स और करने हैं। जिस तरह विनीता पेंटिंग कर रही है, ये और खूबसूरत लग रहा है। देखना फाइनल लुक कितनी प्यारी होगी। चार्ट की खूबसूरती बढ़ती चली जा रही है। रेनबो कंप्लीट हो चुका है। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अभी कुछ स्टेप्स बाकी हैं। ये इनकम्प्लीट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने इसको कट करना है, तो जो व्हाइट वाली जगह है हम उसे कट कर देंगे और जिस जहां हमने फिल किया है वो रहने देंगे। बिल्कुल जैसे जीक कर रहा है। अभी देखें कि कितना अच्छा लग रहा है। अभी 2 स्टेप्स बाकी हैं। अब मुझे जरूरत है ग्लू की। अब हम रेनबो कलर के रिबन्स का इस्तेमाल करेंगे। हर रिबन को हम एक जैसी लेंथ में 2-2 पीस काटेंगे इस स्केल की मदद से। तो मैंने पहला रिबन 12 इंच का कट किया है। हैं हर रिबन का साइज तकरीबन 12 इंच है। अब हम सबसे पहले
ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करेंगे। मैं एक ही बार ग्लू लगा रही हूँ ताकि हमें बार बार ग्लू ना लगानी पड़े। रेनबो के एजेस पे ग्लू को अच्छी तरह से लगाएं। उसके बाद इंडिगो, क्योंकि हमारे पास इंडिगो सेम कलर का रिबन नहीं था तो हमने ये यूज़ किया। देन ब्लू, देन ग्रीन। ग्रीन हमारे पाकिस्तान के झंडे का कलर भी है। देन येलो, तुम्हें थोड़ा जल्दी हाथ चलाना होगा। ऑरेंज, और एंड पे रेड रिबन के साथ रेनबो की खूबसूरती काफ़ी हद तक भर चुकी है। मगर अभी हम एक चीज़ का इजाफा और करेंगे। हमारी रिबन्स लग चुकी हैं, अब एक लास्ट स्टेप बाकी है। साधन भाई हमें कॉटन बॉल्स देंगे? ये लो बनीता, इन्हें रेनबो पर लगाने से आसमान पर बादलों की फील आएगी। पहला रिबन मैंने लगा लिया है। साधुन भी बोनीता की मदद कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हमें दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। हम इनको हाथों से थोड़ा गोल कर रहे हैं ताकि ये प्यारे लगे। इसके हर स्टेप को गौर से देखिए। जी तो फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि आप बादलों में हैं और रेनबो आपके पास है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये बोनीता का आर्ट है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हाँ जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये बहुत प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है। इसे कहते हैं ब्यूटी विद इन योर बजट। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच रियल फॉर किड्स। वेलकम बैक टू अल्फा किड्स। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लगता है कि आप भी हैं अल्फा किड और आप में है कोई यूनिक टैलेंट, या आपने हासिल किया कोई अचीवमेंट, या फिर आपके अंदर है कोई खास टैलेंट, तो आप अपने टैलेंट या अचीवमेंट की एक छोटी सी वीडियो बनाएं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें भेज दें। हम आपकी वीडियो को पूरी दुनिया के सामने शेयर करेंगे और हो सकता है हम आपको अपने प्रोग्राम में भी बुला लें। यूं आप भी बन जाएंगे अल्फा किड्स। तो दोस्तों, यहाँ वक्त होता है हमारे अगले सेगमेंट का, जो जीक का फेवरेट सेगमेंट है, यानी दादी अम्मा की कहानी। बिल्कुल, तो चलें। हाँ चलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग दादी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या आप सफाई कर रही हैं? हाँ बेटा जी, सफाई तो रोज ही करनी चाहिए क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। ये निस्फ क्या होता है? निस्फ के माने आधा। You mean half ईमान? जी बेटा जी। इसका मतलब हमारा आधा ईमान तो सिर्फ सफाई ही है। बिल्कुल ठीक समझे आप। थैंक यू दादी। दादी अम्मा, आपको पता है मेरे स्कूल में सबसे ज्यादा साफ यूनिफॉर्म होता है। लेकिन फिर भी बेटा कुछ सफाइयाँ बच जाती है। वो कौन सी? बेटा दिल की, दिमाग की, रूह की सफाई। जैसे जीक अपने पार्ट्स की सफाई करता है। अरे कितनी अच्छी बातें आप करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल इसी तरह हम सबको भी अपने आप के अंदर की सफाई करनी चाहिए। दिल में कोई बुरी बात ना रखें, किसी के खिलाफ ना सोचें, पॉजिटिव सोचें। नेगेटिविटी को प्रमोट करने के बजाय पॉजिटिविटी को करें, है ना, ताकि माहौल भी खुशगवार हो। क्या कहते हो आप लोग? आप तो बहुत ही अच्छी बातें बताती हैं दादी जान। और आप उन पे अमल भी करते हैं माशाल्लाह। एग्जैक्टली, हम आपके पास एक और काम भी आए थे। जी कहानी का होगा और क्या मसला होगा। हम कहानी सुनने ही आए थे लेकिन आपने अच्छी बातें बताई। हाँ, क्या आप अभी हमें कहानी सुनाएंगी? मैं बिल्कुल सुनाऊंगी। मुझे इंसानों की कहानियाँ बहुत ज्यादा पसंद हैं। अरे वाह, और उनको तो बादशाह की कहानियाँ पसंद है। मैं ये चाहता हूँ आप हमें इस दुनिया में आने वाले सबसे पहले इंसान की कहानी सुनाएं। बेटा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में बहुत मजे से रह रहे थे। जन्नत क्या होता है दादी? जन्नत जिसको इंग्लिश में पैराडाइज कहते हैं। हेवन। यस हेवन। और हम सब जब नेक अमाल करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, और अगर हम गलत अमाल करेंगे तो फिर दोजख ठिकाना है, जो बहुत बुरा ठिकाना है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा जन्नत में रहते थे, और उनको अल्लाह ताला ने मना फरमाया था कि उसे एक दरख्त के पास नहीं जाना। ठीक है, क्या जन्नत में ट्रीज होते हैं? जन्नत बहुत खूबसूरत जगह है बेटा। वहाँ वो नेमतें जो हम सोच भी नहीं सकते वो वहाँ मौजूद होती हैं। तो हजरत आदम और हजरत हवा वहाँ पर बहुत आराम से रह रहे थे, और उन्हें पता था कि ये जो दरख्त है इसके पास हमने नहीं जाना। लेकिन शैतान, जिसको इब्लीस भी कहते हैं, वो बहुत चालाक, बहुत शातिर है। तो उसने कोशिश की कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इनको बहकाऊं। तो उसने बहकाया, गुमराह किया, और उसने हज़रत आदम और बीबी हवा से कहा कि उस दरख्त का फल चख के देखो तो सही कि कैसा है। अब चूंकि वो बहुत चालाक था तो वो उनकी बातों में आ गए। क्यों दादी, शैतान को इंसानों से क्या प्रॉब्लम थी? बेटा वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मारा था, यही कहना चाहिए। उसको था मैं तो आग से बना हूँ, इंसान जो हैं वो तो मिट्टी से बने हुए हैं। तो उन्होंने वो फल खा लिया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, और जब खा लिया तो फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बहुत माफ़ी मांगी, बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत रोए। अल्लाह ताला ने माफ़ तो फरमा दिया, लेकिन उनको सज़ा ये मिली कि फिर इस ज़मीन पे उन्हें उतार किया। और अल्लाह मियाँ ने ये कहा कि अगर तुम्हारी औलाद में से कोई अच्छे अमल करेगा, नेक अमल करेगा, तो उसके लिए जन्नत है, और अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा, मेरे अहकामात नहीं मानेगा, तो फिर जहन्नुम उसका ठिकाना होगा। तो उनकी औलाद कौन है? बेटा हम सब उनकी औलाद हैं।
तमाम इंसान हजरत आदम की औलाद हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। तो बिल्कुल क्या उन्होंने अपनी औलाद को समझाया? बिल्कुल समझाया और यही पैगाम हम तक पहुंचाया कि उनसे गलती हो गई थी कि वो शैतान के बहकावे में आ गए थे, तो हम ये गलती ना करें बल्कि हम अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनको न सिर्फ माने बल्कि अच्छे अमाल करें, और अगर शैतान हमें गुमराह करे तो हम उसे बचने की कोशिश करें, लेकिन अगर हम उसके बहकावे में आ जाते हैं तो फिर जाहिर है सज़ा हमारा मुकद्दर होगी। इट मीन्स इंसान वापस जन्नत में जा सकता है अगर वो अल्लाह ताला का हुक्म माने? बेशक बेशक जाएगा जन्नत में, हर एक को जन्नत की बशारत है जो अल्लाह के अहकामात को मानेगा, जो दुनिया में अच्छाई करेगा तो वो उसके मीज़ान में अच्छाइयाँ ज़्यादा होंगी, तो जन्नत ज़रूर जाएगा बेटा। आपने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है, इसमें से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, क्या तुमने भी कुछ सीखा है? बिल्कुल, मैंने एक बहुत बड़ी बात ये सीखी है, अगर हमसे गलती हो जाए और कोई माफ़ी मांगे तो हम उसे माफ़ कर दें जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ किया। बेशक बेशक, बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छी बात पिक की बेटा। और हमें कभी भी शैतान की बात नहीं माननी चाहिए, शैतान बहुत ही बुरा है। बेशक बेशक, वो इंसान का खुला दुश्मन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान का खुला दुश्मन है और शैतान के बहकावे में नहीं आता। मुझे बहुत अच्छी लगी पहले इंसान की कहानी और खासकर सच्ची कहानी। जी साधु ने आपने क्या सीखा? ये शैतान की बातों में नहीं आना, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, बिल्कुल, और नेकी करनी चाहिए। और आपने क्या सीखा? और दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। हाँ, और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, सबके साथ मोहब्बत करनी चाहिए, है ना? फ्रेंड्स, हम लोगों को तो दादी अम्मा की कहानी बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने हमें जरूर बताना है। और ये भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट टाइम दादी अम्मा से कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ जो है कार्टून टाइम। अब आप लोग देखेंगे बहुत ही मजेदार कार्टून्स और हम आप लोगों को मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह अल्फा किड्स के न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें और हंसते और मुस्कुराते रहें और देखते रहें दी अल्फा किड्स। फरमाए आमीन।